हेलो दोस्तों, स्टडी विद राघविन सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं राघविन सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज चर्चा करने वाले हैं अपन लोग झाबुआ जिले की पहाड़ियों पे। किस पे बेटा? झाबुआ जिले की पहाड़ियों पे। तो देखते हैं झाबुआ जिले में, तो सबसे पहले झाबुआ जिले की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी जो पहाड़ी है उसका नाम है बेटा जोबट की पहाड़ी। कौन सा? जोबट की पहाड़ियां, जोबट की पहाड़ियां। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहाड़ियां लिखा है। इसका मतलब क्या होगा कि जोबट की पहाड़ियों के अंदर बहुत छोटी छोटी क्या होगी, पहाड़ी होगी। ये जो जोबट की पहाड़ियां हैं, याद रखना एक कुछ इनका हिस्सा गुजरात में आता है। किसमें? गुजरात में। गुजरात में इनका कुछ भाग आता है, गुजरात में भाग आता है, ठीक है ना। तो एक और अच्छा क्वेश्चन बन गया कि बताइए मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा कौन सी पहाड़ी बनाती है, तो वो कौन सी पहाड़ी बनाएगी बेटा? जोबट की पहाड़ी। समझ में आया दोस्त कि वो जोबट की पहाड़ियां मध्य प्रदेश और गुजरात का सीमा बनाती है, जो कि अपने को कहां देखने को मिलेंगी पहाड़ियां? झाबुआ जिले में। अब इन्हीं जोबट की पहाड़ियों के कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे कि एक पहाड़ी है देवल फालिया की पहाड़ी, जोबट की एक पहाड़ी है याद रखना जिसका नाम है हाथी पांव की पहाड़ी। कौन सी? हाथी पांव की पहाड़ी। ये सभी झाबुआ में मिलेंगी आपको, ठीक है ना। तो अभी कभी एग्जाम में पूछ लिया कि बताइए मध्य प्रदेश के किस जिले में हाथी पांव की पहाड़ी है, या मध्य प्रदेश के किस जिले में जोबट की पहाड़ियां हैं, या मध्य प्रदेश के किस जिले में देवल फालिया की पहाड़ियां हैं, तो ये सभी कहां लगा देना बेटा? झाबुआ में। साथ ही साथ में जोबट की पहाड़ियां मध्य प्रदेश और गुजरात की क्या करती है, सीमा बनाती है। इसके बाद एक और इस पहाड़ी का हिस्सा है जो कि आपके झाबुआ में फैला हुआ, जिसका नाम है पीपल खुट्टा। पीपल खुट्टा, पीपल खुट्टा की पहाड़ी, ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, झाबुआ जिले में जोबट की पहाड़ियों के अंदर देवल फालिया की पहाड़ी, हाथी पांव की पहाड़ी और पीपल खुट्टा की पहाड़ियां है। अब यहां पर देखिए, ये जो हाथी पांव की पहाड़ी और पीपल खुट्टा की पहाड़ी है, दोनों पहाड़ियों के बीच में एक यहां पर क्या है, जलाशय है। क्या है बेटा? जलाशय है जिसका नाम है बहादुर सागर। क्या नाम है? बहादुर सागर जलाशय, जलाशय बहादुर सागर झील कह सकते हैं। यह झाबुआ जिले की सबसे बड़ी झील है, राइट। तो बहादुर सागर झील कहां पर है? झाबुआ में। ये जो हाथी पांव की पहाड़ियां हैं और ये जो पीपल खुट्टा की पहाड़ियां हैं बेटा, याद रखना ये दोनों पहाड़ियां रॉक फॉस्फेट के लिए, किसके लिए? रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि इनमें रॉक फॉस्फेट जो खनिज है, जो यहां से निकलता है, वो इतना निकलता है कि एमपी में प्रथम स्थान रखता है। एमपी में प्रथम स्थान, एमपी में प्रथम स्थान किसका? रॉक फॉस्फेट का। कहां से? झाबुआ जिले की हाथी पांव की पहाड़ी और पीपल खुट्टा की पहाड़ियों से एक खनिज निकलता है, याद रखना, ठीक है ना, यहीं से। साथ ही साथ में यहां से आपको एस्बेस्टर, एस्बेस्टर नामक एक और खनिज मिलता है, तो ये खनिज भी आपको इन्हीं पहाड़ियों से मिलेगा, ये भी प्रथम है। यानी कि झाबुआ जिला रॉक फॉस्फेट और एस्बेस्टर में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है, सबसे ज्यादा यहाँ से निकलता है। और ये कहाँ से निकलता है? तो हाथी पांव की पहाड़ियों से और पीपल खुट्टा की पहाड़ियों से ये निकलता है। तो ये थी बेटा विंध्याचल पर्वतमाला के झाबुआ जिले में फैली हुई पहाड़ियां, जिनमें सबसे पहले जोबट की पहाड़ियां थी, उसी के अंदर अपने को तीन पहाड़ी मिली, देवल फालिया की पहाड़ी, हाथी पांव की पहाड़ी और पीपल खुट्टा की पहाड़ी। जोबट की पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात की क्या बनाती है? सीमा बनाती है।